सो so, हे hey, दोस्तों कैसे हो आप सभी आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो और बढ़िया होंगे आज मैं अगेन आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ और इस बार मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूँगा और सॉल्यूशन आप कमेंट्स में मुझे बताओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक डेटा है, है जिसमें दो वेरिएबल है ए एंड बी ओके आप सी वेरिएबल में ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो बट आपने एस्ट्रिक सिंबल दो बार मैंशन किया है तो यहाँ पे क्या होगा आपको मुझे कमेंट्स में बताना है और सोल्यूशन क्या होगा ट्वेल्थ रो पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कांट बी द पार्ट ऑफ प्रॉक फ्रीक आउटपुट वेट सेट अगेन आप मुझे सोल्यूशन कमेंट्स में बता सकते हो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वी हैव सबमिटेड द फॉलोइंग प्रॉक शॉर्ट स्टेप विच जनरेट्स एन आउटपुट डेटा सेट प्रॉक शॉर्ट डेटा इक्वल टू ए वी डॉट एम्प्लॉय ऐसा लग रहा है कि ये किसी ए वी लाइब्रेरी में से डेटा कॉल किया जा रहा है डेटा नेम इज एम्प्लॉय एंड यू आर आउटपुटिंग यू आर क्रिएटिंग न्यू डेटा एम्प्लॉय बाई डेजिग्नेशन एंड रन सो so, यहाँ पे क्वेश्चन ये है इन विच लाइब्रेरी इज द आउटपुट डेटा सेट स्टोर्ड सो आउटपुट डेटा सेट यहाँ पर आप बता सकते हो आउट के बाद हम ये एम्प्लॉय डेटा कौन सी लाइब्रेरी में जाएगा परमानेंट या टेम्प्रेरी या ये जो ऑप्शन है उनमें से आप बता सकते हो वर्क ए वी हेल्प सेस यूजर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल हेल्प अस टू रीनेम द कॉलम सैलरी टू कंपनसेशन सो ये हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ये तीन ऑप्शन हैं तीनों में से आप देख सकते हो कौन सा सही है वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो और आप अपने सिस्टम में इसी कोड को एग्जैक्टली रन करके भी देख सकते हो अब क्वेश्चन फिफ्थ पे चलते हैं हाउ कैन यू लिमिट द वेरिएबल रिटर्न टू आउटपुट डेटा सेट इन डेटा स्टेप सो ड्रॉप कीप रिटेन वार बोथ ए एंड बी बोथ ए बी सी आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कैसे आप वेरिएबल्स को लिमिट कर सकते हो कंट्रोल कर सकते हो ड्रॉप कीप से या रिटेन से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं राइट द फंक्शन फॉर द फॉलोइंग आउटपुट सो नेम इक्वल टू एम आर एस डॉट ए बी सी टू कन्वर्ट ने बी सी में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करके कन्वर्ट कर सकते हो ये आपको बताना है कमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स तो देख सकते हो एक डेटा है जिसमें ए बी एक्स वाई वेरिएबल है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है यहाँ पे गलती से दो बार इन्वर्टेड का मेंशन कर दिया गया है मैं रिमूव कर ले रहा हूँ और यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट आउटपुट इन सम एंड प्लस ऑपरेटर तो यहाँ पे आप देख सकते हो 82 रो से 88 रो तक एक डेटा दिया हो गया है 90 रो से 94 रो तक डेटा में सम एंड प्लस ऑपरेटर को यूज़ किया गया है अब आपको बताना है कि आउटपुट में सम और प्लस ऑपरेटर यूज़ करने से क्या डिफरेंस आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू एक्सट्रैक्ट महेश एंड एम जी इन अ न्यू वेरिएबल सो देख सकते हो 102 जीरो टू रो पे एक वेरिएबल है एस जिसके अंदर महेश एंड एम जी है और दोनों के बीच में एज अ सेपरेटर कॉमा है तो आप कैसे कौन सा फंक्शन या कैरेक्टर फंक्शन यूज़ करके इन्हें सेपरेट कर सकते हो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीरो फाइव रो पे हाउ टू कॉन्कैट कैट और कम्बाइन स्ट्रिंग और वेरिएबल तो देख सकते हो ए बी सी हमारे पास वेरिएबल्स uh, हैं और इन्हें आपको कॉन्कैट करना है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वन वन फोर रो पे विच वन इज करेक्ट यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं ठीक है जिसमें एरे के कोड लिखे हुए हैं एरे वॉर एस्ट्रिक सिम्बल ऑल एंड uh, अंडरस्कोर कैरेक्टर अंडर स्कोर अंडरस्कोर न्यूमेरिक अंडरस्कोर तो देख सकते हो सेकेंड ऑप्शन का तो एरे का नेम ही गलत लिखा हुआ है ए डब्ल आर ए आर है तो ये तो वैसे ही यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये ऑप्शन आप नेग्लेक्ट कर सकते हो डिसाइड कर सकते हो फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा सही है या दोनों सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ट्वेंटी टू रो पे वी हैव टू डेटा सेट टेबल ए एंड टेबल बी हाउ मेनी रोज विल इन केस ऑफ प्रॉक्स इक्वल ज्वाइन डेटा स्टेप मर्ज एंड वाई यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब आप प्रॉक्स इक्वल का ज्वाइन यूज़ करोगे या डेटा स्टेप का मर्ज यूज़ करोगे तो कितने रोज़ आपको मिलेंगे इस डेटा में ओके okay, वो आपको बताना है अगेन मुझे लग रहा है क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर नहीं है आ, बट अगेन मैं चेक कर लूंगा अभी के लिए क्वेश्चन को यही समझो आपको कमेंट्स में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं एंड अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में ये पूरा कोड अटैच कर दूंगा आप चेक कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं आज मैंने सोचा सोलूशन बताने की जगह आपसे मैं सोल्यूशन पूछूँ क्योंकि आपको भी अब इनफ नॉलेज हो चुकी होगी जो वीडियोज़ देख रहे होंगे अगर आपको फिर भी सॉल्यूशन नहीं पता चला तो मैं आपको बाद में कमेंट्स में या तो डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा आंसर के साथ तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय दोस्तों